सलाम अलैकुम दोस्तों, के टिकटॉक लवर में आपको खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी से निजात वाले नुस्खे पे। आजकल मुतद अफराद गुर्दे की पथरी का शिकार हैं। गुर्दे में पथरी गुर्दों के अफाल के खराबी के पास उनमें जमा हो जाती है, जो कि बिल्कुल छोटी कंकरों की मानंद है। गुर्दे की पथरी जब मरीज के जिस्म में खारिज होती है तो उससे मरीज शदीद तकलीफ महसूस करता है। उससे एक सख्त किस्म की तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर उसका इलाज अमूमन ऑपरेशन बताते हैं। ताहम माहरीन सेहत के मुताबिक चंद ऐसी गिजाएँ मौजूद हैं जिनके खाने से गुर्दे की पथरी से निजात मुमकिन है। अगर आप भी गुर्दे की पथरी का शिकार हैं तो ये नुस्खा आपको उससे निजात दिला सकता है। माहरीन सेहत के मुताबिक लीमू के रस, जैतून का तेल और आबे जू से तैयार करदा ये नुस्खा गुर्दे की पथरी को तोड़कर उसे बारीक जरों में तब्दील कर देता है और ये पथरी बआसानी जिस्म से खारिज हो जाती है। दोस्तों अभी आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में जो चीज़ें दरकार हैं उसमें जैतून का तेल 100 मिलीलीटर, आबे जू 100 मिलीलीटर और लीमू का रस दरकार होगा। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोज़ाना सुबह नहार मुँह तकरीबन 50 मिलीलीटर मकदार इस्तेमाल करें। बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो तकरीबन 4 से 5 दिन बाद पेशाब की रंगत कदर ज़्यादा पीली महसूस होने लगेगी, जिसका मतलब है कि नुस्खा काम कर रहा है। अमूमन तकरीबन 8 दिन में मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।